Let's start today's work. First of all, we will mention today's date in left hand side, and today's date is 19th of August 2020, means 1919.08. Beta 08 here means month of August. August is the 8th month of the year. That's why we will mention here 08.2020 means 2020. And just opposite side is right hand side, and here we will mention Likhit Karya. In second line, we will mention today's heading, and today's heading is Rango Ke Naam. बेटा आज हम रंगों के नाम करेंगे, यानी कलर्स नेम करेंगे. और कितने रंगों के नाम करेंगे? 6. और वो रंगों के नाम करेंगे जिसमें आ और ई की मात्रा आती है. नंबर 1, लाल लाल, लाल लाल. और बेटा लाल में क्या आ रही है? आ की मात्रा. लाल लाल, लाल यानी कि रेड कलर. सेकेंड, हरा हरा, हरा हरा. अब इसमें क्या हो रहा है? ह को तो हम सिंपल बोल रहे हैं, लेकिन र में क्या आ रही है? क्या लग रही है र में? आ की मात्रा. हरा हरा, ये कौन सा कलर है? हरा कलर है, यानी कि ग्रीन कलर. और ग्रीन कलर की क्या होती है? लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं ना पेड़ों की, उनका कलर होता है ना बेटा ग्रीन. हरा हरा. 3, नंबर 3, काला काला. और बेटा काला, अब क्या हो रहा है दोनों में? क और ल दोनों में कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा आ रही है. और आपको पता है काला कौन सा कलर होता है? यस, ब्लैक कलर. और ब्लैक क्या होते हैं? हमारे बाल. आपने देखिए ना, कईयों के बाल ब्लैक कलर के होते हैं, कईयों के ब्राउन कलर के होते हैं. तो काला काला. नंबर 4, नीला नीला. नी, अब नी में कौन सी मात्रा आ रही है? ई की मात्रा. और ई की मात्रा को हम कैसे बोल रहे हैं? खींच के बोल रहे हैं, नी ला. और ला में कौन सी मात्रा लग रही है? आ की मात्रा, क्योंकि इसमें हमारा मुंह खुल रहा है. नीला नीला, नीला यानी कि ब्लू कलर. कौन सा कलर? ब्लू कलर. नीला नीला. नंबर 5, पीला पीला. पीला, और अब देखिए बेटा पीला में भी क्या हो रहा है? प में भी कौन सी मात्रा आ रही है? ई की मात्रा. और ल में अगेन कौन सी मात्रा आ रही है? आ की मात्रा. पीला पीला, पीला यानी कि येलो कलर. और पीले कलर का क्या होता है? सन यानी सूरज. आपने देखा ना, सूरज का कलर कौन सा कलर का होता है? पीले रंग का. पीला पीला. नंबर 6, आसमानी आसमानी. बेटा आसमानी मतलब स्काई ब्लू कलर, यानी कि जो आसमान का कलर होता है. आसमान आपने देखा है ना, कैसे कलर होता है उसका? बिल्कुल लाइट ब्लू होता है, होता है ना. तो आसमानी आसमानी. आफ्टर दैट वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल फ्रॉम हियर. ओके, लाइक दिस. इसके बाद क्या करेंगे बेटा? हम स्केल की हेल्प से यहाँ स्ट्रेट लाइन करेंगे. ओके, देन वी विल राइट हेडिंग इन थर्ड रो. थर्ड रो पे हम क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे. और क्या हेडिंग डालेंगे? श्रुति लेख. देन अगेन विद द हेल्प ऑफ स्केल वी विल ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. आफ्टर दैट वी विल मेंशन नंबर्स 1 to 5, 1, 2, 3, 4, 5. हेडिंग के बाद क्या करेंगे बेटा? हम स्ट्रेट लाइन करेंगे और फिर नंबर्स मेंशन करेंगे 1 to 5, 1 से लेके 5 तक. और 5 नंबर्स हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? 5 और श्रुति लेख बोल रहे हैं. तो चलिए बेटा, अब हम अपना श्रुति लेख स्टार्ट करते हैं. और आज भी हम आ और एक की मात्रा के वर्ड्स का ही श्रुति लेख लेंगे. नंबर 1, माता माता. अगेन आई रिपीट, माता माता. नंबर 1 श्रुति लेख वर्ड, हियर यू विल राइट. नंबर 2, दाम दाम.
और बेटा दाम का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, यानी कि रुपीस। जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो दुकानदार से पूछते ना कि चीज का क्या दाम है, ये कितने की है ये चीज, यानी कि रुपीस, कितने रुपीस की है। तो दाम, दाम। नंबर टू बेटा, नंबर थर्ड, जे सजेस्ट। बेटा अगेन आई रिपीट, ध्यान से सुनिए, जे सजेस्ट। बेटा नंबर थ्री, श्रुतिलेख वर्ड यहां लिखना है आपको। नंबर फोर, गे नगेन। अगेन आई रिपीट, गे नगेन। लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुतिलेख, हियर यू विल राइट लास्ट वर्ड ऑफ द श्रुतिलेख, शिखा, शिखा। और शिखा क्या है? किसी का नेम है। अगेन आई रिपीट, शिखा, शिखा। बेटा आपको वर्क बहुत नीटली करना है, बहुत केयरफुली करना है। स्पीक एंड राइट, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, जो वर्ड आप लिख रहे हैं, जो अक्षर को आप लिख रहे हैं, स्पीक एंड राइट, बोल बोल के करेंगे। और सेकंड थिंग, श्रुतिलेख वर्ड्स पहले बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद करेंगे। ओके किड्स, वन थिंग मोर, ओबे ओ एल्डर्स। बेटा हमें अपनों से बड़ों का कहना मानना चाहिए। ओके चाहे वो आपकी दीदी हो, भैया हो, मम्मी पापा, कोई भी हो, ठीक है। ओके बाय बाय, हैव अ नाइस डे।